सैयदा आमीना फरमा दिया पत्थर पिघलन लग पे। फरमा दिया मैं एक दिन काबे दा तवाफ करने जा रही हूँ। फरमा दिया सामने जानवर आउंदा इजड़े आ रहा हूँ। मेरे वल वेख के कुछ जानवर इधर टुर पे कुछ इधर टुर पे। उन्हां दरमियान च रस्ता बनाओ दिता जेड़ा जानवर नहीं हटदा दूसरे जानवर थक्का मार के कहंदे ने हट जा मुहम्मद दी माओ पियोंदिया। फरमा दिया दरख्त ते जानवर मेरा अदब कर देने पत्थर मैनू सलामियां दे देने। फरमा दिया मैं जिथों गुजर जानी हाँ फरमा दिया ने हवावां मुअत्तर हो जांदियां ने। फरमा दिया रोज ख्वाब दे अंदर कोई ना कोई आ जांदा है। हर महीने कोई ना कोई नबी आके मुबारक देंदा। रहमतुल मोमिनीन दा जशन जे मनाना जायज है ना फिर रहमतुल आलमीन दा भी मनाना जायज। ओ रहमतुल मोमिनीन कुरान है ते रहमतुल आलमीन कमली वाला है। कुरान सारे वास्ते नहीं रहमत नहीं नहीं सिर्फ मोमिना वास्ते। बेगाने वाली खसारा वला यजीद الظالمین الا खसारा। पर जदों गई सोने दी वारी फरमाया अपने वाली भी रहमत है बेगाने वाली भी रहमत है। इस बात ऐसी मिलाद मना के दसना चाहने हूं असी गली गली यही जुलूस ते जलसे करके कहना चाहने हूं के रहमत बरतौन वाला आ गया। रहमत बरतौन वाला आ गया। रहमत बरतौन वाला आ गया। सब सीने लौन वाला आ गया। ये सब सीने लौन वाला आ गया। ये लौन वाला आ गया। उस सब सीने लौन वाला आ गया। रहमत परदान वाला आ गया। फिर सब सीने लौन वाला आ गया। हुन जिदे जिदे को लाया जिन्हों जिन्हों खुशी है हाथ खड़ा करके मेरे नाल मिलादी बन के लहरा के पढ़िए। रहमत परदान वाला आ गया। रहमत परदान वाला आ गया। रहमत परदान वाला आ गया। ओ सब सीने लौन वाला आ गया। ओ सब सीने लौन वाला आ गया। नौजवान कौन है दे बाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना आंदे पता नहीं कायनात की बनदा। अज मैनू कह रहे ने मापिया दी शान भी सुनाओ। उस नबी दी रहमतां वेख लोग ते मामा दी कदर करदे नहीं सन। उस मां दी कदर मेरे नबी ने बना दित्ती। दस मरले दा पलाट बैरिया टाउन दे अंदर होवे लोग कहंदे ने बंदा बड़ा अमीर है करोड़ां पति है। इहदे कोल बैरिया टाउन च दस मरले दा पलाट है। ओ माई किन्नी को अमीर होवेगी जिने कदमा थले मुहम्मद ने लिया के सारी जन्नत ही रख दित्ती। दस मरले दे पलाट दा मालक नहीं मान ते जिदे कदमा थले सारी जन्नत होवे। उची 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 बोलो सुभान अल्लाह। ओ यार इन मान कदम तक किने दितियां मुस्तफा ने। धीआं नूं ते जिंदा ही दफन कर दिंदे सारे हैं ते धीआं दे आया उठ के खलोना ए मुहम्मद ने दस्सिया। बीवी दी ते कदर ही कोई नहीं सी ना ते जिन्हें जन्नत दी साथी बना दी थी। तू अजे भी पूछ रहा मिलाद मनाउणा किथे लिखे। ओ बाप जन्नत दा दरवाजा बना देता है जेड़े बाप दी कदर किथे कीती नहीं सी कदे। मुस्तफा करीम ने फरमाया जिन्हें जन्नत दा दरमियानी गेट मेन गेट वेखना होवे फरमाया वो अपने अबू दा चेहरा वेखे।
बाप नु जन्नत दा दरवाजा बना दिता, मां दे कदम थले लिया के जन्नत रख दिती। ओ बीवी नेक होवे ते जन्नत दी साथी बना दिती, ते बहना ते बेटियां दी वारी आई। फरमाया जेड़ा मुहम्मद दी सुन्नत समझ के बेटी ते बहन नु पाल के जवान करके ओदी शादी करे, कयामत नु जन्नत च मेरे इतना करीब होवेगा जिवें शहादत दी उंगली ते नाल दी उंगली होंदी। ते मुआशरे दा केड़ा रूप है जिन्नू कदर मुस्तफा ने दित्ती, अजमत आते मुस्तफा दितियां। फिर भी उम्मती पूछे कि नबी दा मिलाद मनाना किथे लिखे है, उनू शर्म ना डुब के मर जाना चाहिदा है। ओ मुस्तफा दे एहसान वेख, अपनी शक्ल वेख, ते अपने गुनाह वेख, ते मिलाद मना मुहम्मद दा। नहीं ते इजाजत होवे मैं तुहानू थोड़ा जिहा रंग देवां, जे सिर्फ कुरान पढ़ा ते अलहमदुलिल्लाह मैं हाफिज़े कुरान हां, आखो मैं सारी रात कुरान पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक दे मिलाद दे मुतल्लक, ते दलाल मुख दे नहीं मगर इंटरनेट ते सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बयान कीता मौजूद है। मैं तुहानू नाल नाल मिलाद भी सुनाना है, नाल नाल मैं तुहानू दलाल भी सुनाने ने, नाल नाल इन आखे मां बाप की शान भी सुनाओ, मैं इंशाल्लाह भी सुना के जानी है। अल्लाह दे नबी हजरत मूसा कलीम अलैहि सलाम ने एक दिन एक उम्मत दा तज़किरा पढ़िया। मूसा अलैहि सलाम की उम्मत वास्ते कानून ऐसी कि जेड़ा 100 रुपया कमावे विच 40 रुपए ज़कात देवे, किन्ने 100 च 40 ज़कात देवे, उस उम्मत वास्ते लिखे 40वां हिस्सा देवे, यानी 100 च सिर्फ 2.5 रुपए। अल्लाह दे नबी ने आख्या यह काम तो बड़ा सौखा है, आ उम्मत मैनू ही दे दियो। अल्लाह फरमा किवें दे देवां, इह तां मुहम्मद अरबी दे गुलाम ने। हजरत मूसा ने इस तरह करके तौरात दा सफा उल्टिया ते अगे एक होर उम्मत दी शान लिखी। हजरत उम्मत मूसा दी उम्मत दा कानून सी कि जिहड़ा गुनाह करे ना गुनाह करे ओ छुप के गुनाह कर दे, मगर छुप के गुनाह करके जदों सुबह उठदा ते ओदे दरवाजे ते लिख्या हुंदा है कि इन्हें राती फलां छुप के गुनाह कीता, या ओदे पेशानी ते लिख्या हुंदा है इन्हें राती फलां गुनाह कीता, ते सारी दुनिया नूं खबर हो जांदी कि इन्हें गुनाह कीता है। पर उस उम्मत दे वास्ते कानून ने लिखिया है कि मूसा दी उम्मत छुप के गुनाह करदी है, रब जाहिर कर दे, ते ओ उम्मत गुनाह जाहिर करेगी ते रब पर्दे ही पाई जाएगा। इसे वास्ते रब ने सानू आखिर ते भेजिया है, पहलियां उम्मत गुनाह कीते ते रब ने कुरान च सानू गिन गिन के दे दे यहूदियां आ कीता साईयां आ कीता, साडे बाद ना कोई उम्मत आउणी है ते ना साडे गुनाह किसे दे सामने खुलने हैं। इसे वास्ते आखिर ते भेजिया के पर्दे पाणे सी। मूसा ने अद कीती चलो फिर आ ही उम्मत दे दियो। अल्लाह फरमा के मैं दे देवां ते मुस्तफा दे नौकर ने। अच्छा फिर सफा उल्टे ना, ते हजरत मूसा दी उम्मत दा कानून सी जिहड़ा गुनाह कर लवे ना ओदे वास्ते अल्लाह ने फरमाया कि एक दूसरे नूं कतल करो फिर गुनाह माफ होणगे, पर उस उम्मत दे वास्ते कानून एवे कि गुनाह हो जाए ते छुप के सजदे विच माफी मंग ले रब माफ कर देवेगा। हजरत मूसा ने अर्ज कीती चलो आ ही उम्मत दे दियो। अल्लाह फरमा के मैं दे देवां ते मुस्तफा दे नौकर ते गुलाम ने। हजरत मूसा दी उम्मत दा कानून सी जिन्हें सदका देना होता सी ना ओ खुले मैदान च सदका रख के आंदे, आसमान तो एक बिजली आती है या तो सदके नु नाल लै जांदी है उनु जला देंदी है ते पता लग जांदा इहदा सदका अल्लाह ने कबूल कर लिया है, पर जिहदा कबूल नहीं उत्थे ही गल सड़ जांदा है ते सारे जग नु पता लग जांदा कि इहदा सदका रब कबूल नहीं कीता। पर उस उम्मत दा कानून पता की लिखिया है, सदका देना है ना ते आपस ही एक दूजे नु दे के खाई पी भी जाओ, कबूल ही कबूल है। हजरत मूसा ने अर्ज की कम तो बड़ा सौखा थे आ उम्मत ही दे दो। अल्लाह फरमा कि मैं दे देवां तो मुहम्मद दे नौकर ने अल गर्ज़ा। हजरत मूसा जो ही सफा उलट देने अगे उस उम्मत दी शान, सफा उलट देने उम्मत दी शान, बेशुमार गल्लां पढ़ियां, फिर कदे अर्ज करांगा। आखिर ते अर्ज कीती या अल्लाह उम्मत मैनूं दे दे। अल्लाह फरमा किवें देवां, आओ ही मुहम्मद दे नौकर ने। ते हजरत मूसा ने तौरात इंज बंद कीती ते हाथ चुक के कहंदे ने जे उम्मत मैनूं नहीं ना देनी ते मैनूं ही मुहम्मद दा उम्मती बना दे। اللهم اجعلني من امه محمد यार मूसा ते दुआ करन, सच्ची दस्यो इतने पढ़े पढ़े लिखे बैठे हो तुहाडे चो एक बंदा भी दसे मैं या तुसा दुआ कीती सी कि या अल्लाह सानू कमली वाले दा गुलाम बनाए, नहीं ना। अच्छा नबी दुआवां करन असा कीती भी नहीं, होर असा ना कर देवा आलमे अरवाह ते जद रूहां दी वंड होई होवेगी ते अल्लाह कह आवेगा आ रूहां आदम तेरे मुती होणगे, इब्राहिम आ तेरे, ईसा आ तेरे, मूसा आ तेरे, इब्राहिम आ तेरे, यूसुफ आ तेरे। ओ यार मुकद्दरा दे नाद ना करिए।
आलमे अजद मुहम्मद दी वंड विच आए सा असि कमली वाले दी वंड विच आए सा क्यों ना मुकद्दरा ते नाज़ करिए असि क्यों ना उस मुस्तफा दे आमद दे जश्न मनाइए असि क्यों ना कमली वाले दी आमद तैयबा दे असि क्यों ना नगमे गाइए क्यों ना नात पढ़ियो उस रसूल दियां असि गज बज के उस रसूल दा मिलाद मनावांगे जिस रसूल ने साडी कदर वधा दित्ती नहीं ते होरे किथे रुल जांदे रब्बे काबा दी कसम है ओ यार असि सारे इकट्ठे हो के इलाके दे थानेदार कोल टुर जाइए ना थानेदार तो एक बंदा नहीं छुड़ा सकते मिलाद ना मनाइए जिन्हें रब को सारे छुड़ा लेने नाल शफात सरवर आलम छुट सी आलम सारा जिदे आखे रब ने सारे ही छड़ देने ने असी उस मुहम्मद दा मिलाद क्यों ना मनाइए जिन्हें सारे दे भरम रख ले जिन्हें सारे दी तौकीर वधा दीती असी क्यों ना उस रसूल दा मिलाद मनाइए मेरी मिल्लत दे नौजवानों अल्लाह ने कुरान च फरमा कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिदालिक फलयफरहू लफ्ज़ ते गौर करियो अल्लाह फरमाए जब मैं फजल ते रहमत करा फिर जश्न मनाओ आ जड़ा लफ्ज़ ना फलयफरहू इदी जगह इबी तरब कह सकदा सी फल या बदू इबादत करो इबी ते कह सकदा सी फल यर का रुकू करो मैनूं जश्न मनाने वाले पसंद नहीं ते या अल्लाह जे तैनूं पसंद नहीं ते इत्थे हुक्म क्यों कर रहे जश्न मनाओ अल्लाह फरमांदा उंज मैनूं जश्न मनाने वाले पसंद नहीं पर जदों मैं फजल ते रहमत करा फिर जश्न मनाया जे उन फजल ते रहमत जश्न मनाने वास्ते हुन आओ मैं कुरान पढ़ा फजल की है ते रहमत की है पढ़ा कुरान भाई मैं ढेर लगा के चलिया मिला शरीफ दे दलाइल कुरान विचो सिर्फ सिर्फ कुरान विचो अजे मैं हदीस वाले पेंडे नहीं पिया सिर्फ कुरान सुना रहा तुहानू सुनो कुरान अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युह नबी इन्ना अरसलनाक शाहिदन مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا परवरदिगार ने परमा कमली वाले तेनों नबी भी बनाया शाहिद भी बनाया असा तेनों मुबशिर ते नदीर भी बनाया असा तेनों दाई लल्ला भी बनाया सिराज मुनीर भी बनाया फरमाया वबशिरिल मुमिनीन अल्लाह ने परमा ईमान वाले मुबारक होवे अर्ज की दिया लकड़ी गलतियां मुबारक पे देना है फरमाया भी अन्ना लहुम मिन अल्लाह फजलन कबीरा फरमाया तुहाडे कोल अल्लाह दा बड़ा फजल आ गया जे अल्लाह ने अपने यार नु फजलन कबीरा फरमाया फरमाया मेरा सब तो बड़ा फजल कमली वाला अपने यार पर रहमत दा इशारा फरमाया फरमाया ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم अल्लाह ने फरमाया आ कमली वाला मेरा फजल है अर्ज की आला सी तेनू फजल समझ दे रहे हो अल्लाह ने फरमाया मैं ते फजला वाला वा फजल ते मुहम्मद दी जात है अपने यार दे फजल दा जिक्र फरमाया फरमाया फलौला फदलुल्लाह अलैकुम व रहमतहु लकुंतुम मिनल खासिरीन अल्लाह ने फरमाया जे मेरा यार फजल बन के ना आंदा तुसा खाते च रह जाना सी अर्ज की दिया ल पता चल गया फजल कमली वाला है अर्ज की दिया ल रहमत कौन है फरमाया बा मैं अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन
फरमाया मेरा फजल भी कमली वाला, मेरी रहमत भी कमली वाला। फरमाया बदकुरु ने मत अल्लाह अलैकुम इज़ कुंतुम अदा فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا। अल्लाह ने फरमाया मेरा फजल भी कमली वाला, मेरी रहमत भी कमली वाला, मेरी नेमत भी कमली वाला। अर्ज की दिया ना कोई औलाद नु फजल समझदा, कोई माल नु फजल समझदा, कोई कोठी ते कार नु फजल समझदा, कोई हुसन नु फजल समझदा, कोई शोहरत नु फजल समझदा, कोई औलाद नु फजल समझ। अर्ज की थी अल्लाह अपने यार नु केड़ा फजल दे के भेजे आई। अल्लाह ने फरमाया कमली वाले आओ किसे नु मैं एक दो तीन फजल अता कीते, पर तेनो मैं दे के फजल नहीं भेजिया, तेनो बना के इंज दा फजल भेजिया है जिधरों जिधरों लंघदा जावेगा फजल कर दई जावे। हुण भी कोई पूछे कुरान च मिलाद किथे लिखे है? जाहिल बंदे नु समझाना मुश्किल होंदा, पढ़े लिखे नु आसान होंदा। तुसी पढ़े लिखे हो अल्हम्दुलिल्लाह, मैनु आसानी हो गई। कुरान अपनी तफसीर आप ही कर रहे हैं। नौजवान एक पासे दा फरमांदा कुल बे फजलिल्लाह व बि रहमतिहि, जदो फजल ते रहमत होवे जशन मनाओ। दूसरे पासे रब कुरान ची फरमांदा मेरा फजल भी कमली वाला है ते रहमत भी कमली वाला है। पता लग्या फजल ते रहमत होवे ते जशन मनाई देने, ए कुरान दा फैसला है। पता लग्या आ जेड़ा मस्जिद दे विच सानू बिठाया है ना, ए सानू इना चौधरियां नहीं बिठाया, सानू रब दे कुरान ने बिठाया। कुरान ने फरमा जशन मनाओ, असी अल्लाह दा शुक्रिया अदा करना है। को किसी नु अपना महबूब नहीं देंदा, देना तो दर किनार कोई वेखन नहीं देंदा। महबूब तो नहीं ना वखाई दे, नहीं ना वखाई दे, दिल कर दे मेरे माही नु कोई वेखे ना। जे इजाजत होवे तो मैं इहदे इस गल ते भी कुरान की दलील देवां। तुसी नहीं बोले नहीं तो पढ़ मैं देना सी। मैं रहीम ही अरखां गया तो मैं उन्होंने आख्या रोंद ना मारो। वो एक दूसरे को पूछन लग पिया रोंद की होंदा, ते तुहानू ते पता तुसी मारदे रहंदे हो, ते मेहरबानी रोंद ना मारो ते उच्चा सुभान अल्लाह बोलो, होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। जदों सुलेखा ने दिल दिता ना हजरत यूसुफ नू, ते सहेलियां ने मेहना मार के आख्या नहीं मलका होके गुलाम नू दिल दिता ही। मेरे बाबा जी मेरे मुर्शिद कामिल ताजदारे चूरा शरीफ फरमाते ने इश्क उस दिन मुकम्मल होंदा है जिस दिन कोई यार दा मेहना मारे। जद कोई यार दा मेहना मारे उस दिन मुकम्मल होंदा है। सुलेखा नु सहेलियां मेहना मार के आख्या नहीं गुलाम नु दिल दिता है, ते तड़प के फरमांदी है खबरदार नहीं तुसा मेरा यूसुफ अजे वेख्या ही नहीं। ते कहन लगियां वी खा दे। मुफस्सिरीन फरमाते ने उन्हें बीबियां बहाना बनाया कि चलो उंज ते नकाब विच रहिंदा नजर ही नहीं आउंदा, चलो इंज ही वेखांगियां। कहन लगियां वी खा दे। जुलैखा फरमांदियां तुसी सेब खाओ ते मैं यूसुफ लेके आई, ते जाके यूसुफ नूं आख्या जरा मेरी सहेलियां कोलों ते गुजरियो। यूसुफ टुरे ना, ते जुलैखा नूं गैरत आ गई क्योंकि इश्क गैरत वाला हुंदा, जिहड़ा बेगैरत होवे इश्क नहीं आउंदा। जुलैखा नूं गैरत आ गई ते ख्याल आया ये महबूब ते मेरा है, महबूबा दिल करदा तेनू अख च रख के अख ही बंद कर लवां, ना मैं किसी नूं वेखां ना तेनू कोई वेखे। जुलैखा नूं ख्याल आया मेरे महबूब नूं इह क्यों वेखण, ते आवाज दे के कहंदियां गुजरते जायो पर कुंड सारा ना चुकिया जाए। ओ मियां मुहम्मद बख्श फरमांदे ने कुंड उठाओ दीदार कराओ, इश्क ना पुछे जातां, रू बरू सजन दे बह के कर लईए दो बातां। यूसुफ थोड़ा ज नकाब सरका के गुजर गए, ते वेखण वालियां दा की हाल होया। पढ़ा कुरान, उच्चा बोलो यार, उच्चा बोलो मेरे जौक ना लाओ। तकरीर मैं उंज भी करके टूरी जानी है, पर जे तुसी रार लाओ तो मेरा दिल करदा रल मिल के कम चला दिए। जिन्ना सवाब मैनू होना उन्ना तुसी भी लैके जाओगे।
अल्लाह ने रिजा फरमाया वक्त नहीं दिया हुन्ना वकुल नहास लिल्लाहि मा हाजा बशरन इन हाजा इल्ला मलकुन करीम। परवरदिगार ने फरमा जिन्ना यूसुफ दा जमाल वेख्या उन्हां दियां उंगलियां कट गईयां उंगलियां दे टुकड़े हो गए। वाह कमली वालिया मैं तेरे हुसन तो खरबाउन जावा जिन्ना यूसुफ दा जमाल वेख्या उन्हां दियां उंगलियां दे टुकड़े हो गए। कमली वाले दी उंगली बैस के चन दे टुकड़े टुकड़े उंगली दा हुसन वेख के टुकड़े हो गए। पता लग्या कोई महबूब वेखन नहीं दिंदा अपना किसे नूं ते उस रब दा शुक्रिया अदा ना करिए जिन्हें अपना महबूब ही सानूं दे दिता। महबूब को लोकां वास्ते ते नहीं ना होंदे, महबूब ते अपने जोगे होंदे ने। असी शुक्रिया अदा करन आया रब दा के तू अपना महबूब सानू गुनाहगार नू अता कीता। ते जिहड़ा ए शुक्रिया अदा ना करे ओह ते ना शुक्र ही होंदा ना फिर ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਬਖਤਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਨਬੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਨਬੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਵਫਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇਹਸਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਲ ਇਨਸਾਨ ਅਬਦੁਲ ਇਹਸਾਨ, ਇਨਸਾਨ ਇਹਸਾਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇ ਆ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇ ਆ ਜੇ। ਇਨਸਾਨ ਇਹਸਾਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਇਹਸਾਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ। जशन मनाओ उस मुस्तफा दा जिन्ने तेरे ते इतने एहसान कीते, इतने एहसान कीते। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, अगर मैं इस पिंड पिया रहा ते वक्त बड़ा लंबा लग जाना है, मैं डस के जाना है। आओ मैं तुहानू उस रात वल लै चला जिस रात दी सुबह ते रब सलाम कर दे। लै चला तुहानू 12 रबीउल अव्वल वाली रात ते। नबी करीम दी अम्मी फरमादियां ने जदों कमली वाले मेरे शिकम च आए ना ते मैं पहले दिन ही उठ के ते अपने वेड़े च फिरन लग पई। हैरान इस गल तो हाँ कि मैं जेड़े पत्थर ते कदम रखनी मैंने चुभदा नहीं, मैं पत्थर ते कदम रखनी पिघल के मोम हो जाता है। आप बड़ी हैरत ना फरमा दी पत्थरों को की हो गया। एक निके जा पत्थर बोल के कहने लगा आमिना हैरान ना हो, अजे ते असी पे पिघलने सोना आ लेंदे बड़िया बड़िया पिघल जा, फिर बड़िया बड़िया पिघल जाने। आप फरमा दी मैं किसी पत्थर को गुजरनी तो आवाज आई अस्सलाम वालेकुम या उम्मर रसूलुल्लाह। पढ़े लिखे नौजवान हो सकते फिर तुहाडे दिल च ख्याल आवे आसी साहब असां ते कदे पत्थर पिघलते वेखे नहीं, पत्थर किवें पिघल सकते ने। पढ़ा कुरान ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया पहाड़ी दी चोटी ते पत्थर पिया हुंदा है, उन्हों अल्लाह दा खौफ आउंदा है ते रब दे खौफ नाल गिड़गिड़ा के जमीन ते डिग के टुकड़े हो जांदे। ते जे पत्थरां विच शऊर ही ना होवे ते सारा कुछ क्यों होवे। अल्लाह फरमांदा लो अंजलना हादल कुरान अला जबलिल लरईतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमांदा जे कुरान किसे पहाड़ ते नाजल करदा ओ खशियत इलाही ना रेजा रेजा हो जांदा, ते जे पत्थरां विच शऊर ही नहीं ते खशियत कित्थों आउणी सी।
एक दिन नबी पाक नु प्यास लगी दौराने सफर ते मौला अली दे छोटे भाई हजरत अकील नबी करीम दे नाल हजूर ने फरमाया ओ पत्थर को जा ओ पहाड़ को तैनू मेरा पैगाम देवे कि अल्लाह दे रसूल फरमाते ने मैनू प्यास लगी पानी पिला को चश्मा जारी कर क्योंकि पानी चश्मे कश्मीर जाओ ना शमाली इलाका जाच जाओ तो तुसी वेखोगे पत्थरां चो पानी निकलदा पत्थरां विचो पानी निकलदा ते पानी हमेशा पत्थरां चो निकलदा मेरे नबी ने फरमाया पहाड़ नु जाके मेरा पैगाम दे के पानी दरकार हजरत अकील गए ते रोंदे आ गए हुजूर ने फरमाया की आख्या पहाड़ ने अर्ज की या रसूल अल्लाह पहाड़ पे कहंदा है पानी ते देवा कमली वाले कदे वापस ना जान देंदा पर जदों दी कुरान दी की आयत नाजल हुई है ना फत्तकुन नार लती वकूदुहन नास वल हिजारा के अल्लाह फरमांदा डरो उस अग कोलो जिहदा बालन इंसान ते पत्थर होणगे उस दिन दा मैं इन्ना रोया मेरे चो पानी खत्म हो गया है अपने फजल दे विचों फजल कीता ओ पत्थर ते लोहे नु हाथ लगांदे ने वअलन्ना लहुल हदीद अल्लाह फरमांदा ते उचों ही हाथ लगांदे लोहा पिघल के मोम बन जांदा है अच्छा मैनू सच्ची दस्यो वरसालपुर वालियो जिहदे उत्ते रब फजल करे ते थोड़ा जा फजल करे ओ लोहे नु हाथ लगावे तो लोहा पिघल जाए उस मां दे कदमा थले पत्थर ना पिघलन जिहदे विच सारा फजल पिया वसदा है जिहदे विच सारा फजल वसदा है फिर ओहदे कदमा थले क्यों ना पत्थर पिघलन पत्थर पिघल के दसना चाहुंदे ने आमीना तेरा ओ लाल आउण वाला है ओ कमली वाला आउण वाला है ओ पत्थरा तू कलमे बड़ा जानदा है ते सुखियां खजूरा उगा जानदा है ओ पत्थरा तू कलमे बड़ा जानदा है ते सुखियां खजूरा उगा जानदा है ओ डूबे करा जानदा है ओ डूबे बेड़े करा जानदा है ओ डूबे बेड़े करा जानदा है ओ डूबे बेड़े करा जानदा है ते गुंगे गल्ला करा जानदा है ओ गुंगिया थी गल्ला करा जानदा है ओ पत्थरा तू कलमे पड़ा जानदा है ते सुखिया खजूरा उगा जानदा है पत्थर पिघलन लग पे फरमा दिया एक दिन काबे दा तवाफ करन जा रही हूं फरमा दिया सामने जानवर आउंदा ई जड़े आ रहा हूं मेरे वल वेख कुछ जानवर इधर टुर पे कुछ इधर टुर पे उन्हां दरमियान च रस्ता बनाओ दिता जेड़ा जानवर नहीं हटदा दूसरे जानवर थक्का मार के कहंदे ने हट जा मुहम्मद दी माओ पियोंदी आ फरमा दिया दरख्त ते जानवर मेरा अदब कर देने पत्थर मैनू सलामियां दे देने फरमा दिया मैं जिथों गुजर जानी हाँ फरमा दिया ने हवावा मुअत्तर हो जांदियां ने फरमा दिया रोज ख्वाब दे अंदर कोई ना कोई आ जांदा है हर महीने कोई ना कोई नबी आके मुबारक देंदा है फरमा दिया फिर बारह रबी लभण दी रात आई सोमवार दा दिहाड़ा फरमा दिया रात जारी दिन आ रहा इंज लगा जिवें पुत्तर दे आउण दा वेला हो गया ते रो के कहन लगियां रब्बा दुनिया दी आम औरत भी आवे बच्चे दी वलादत वेले खिदमत लई कोई आ जांदा है मैं ते तेरे महबूब दी मामा मेरी खिदमत लई कोई नहीं फरमांदिया मेरे कमरे दी दीवार फट गई चार उचे लंबे कदियां औरतां अंदर आ गईयां ना पुछनिया नी कौन सारियां तू वडेरी कहन लगी आ मैं ना रोई ना मैं आदम दी बीवी हवा आई हां
दूसरी कहन लगी मैं इब्राहिम दी बीवी सारा आई हूं, तीसरी कहन लगी मैं फिरौन दी बीवी असी आवा, चौथी कहन लगी मैं ईसा दी मां मरियम, मैं पुछनिया नी किधर आया, कहन लगिया मैं कदरां ते नाद करनिया वा, मुहम्मदियां दाइयां बन के आया वा, सैयद आमीना फरमादियां ने ओ चारे औरतां मेरे इर्द गिर्द बैठ गईयां, फरमादियां खारा जमीनी नूर, फिर मैं नूर नू जन्म दिता, फरमादियां इना चानने हो गया, बैठी मैं मक्के दे अंदर आ, उस नूर च मैं मुल्के शाम दे महल नजरी आ गए, फरमादियां अंधेरा छट गया, इना नूर छाया, इना नूर छाया, के आ फरमादियां ने दूर दुनिया तो अंधेरा हो गया, ए दूर दुनिया तो अंधेरा हो गया, आ गया सोना सवेरा हो गया, हुन हाथ चुके मेरे नाल सारे मिलाद पढ़ो, आखरी शेर पढ़न लगाया, गया सोना सवेरा हो गया, या अल्लाह जेड़ा उच्चा बोले राती ख्वाब च कमली वाले आन, सुबह रसूल पुल दियां गलियां च जावे यही पढ़दा जावे, आ गया सोना सवेरा हो गया, ये सवेरा हो गया, तैया गया सोना सवेरा हो गया, कद जा कुमी अल्लाह नूर आ गया सोना सवेरा हो गया, वसीराज मुनीरा आ गया सोना सवेरा हो गया, जिब्रील तेन झंडे लेके आ गए, एक मशरिकी च लगाया एक मगरिब ते लगाया, एक काबे दे बनेरे ते लाके कहंदे ने आ गया सोना सवेरा हो गया, युखरी जो मिन दुल्मा दिल नूर आ गया सोना सवेरा हो गया, वल्लाह मुतिम नूरी ही आ गया सोना सवेरा हो गया, नबी करीम दी फुफ्फू हज़रत सफिया फरमा दिया ने उस वेले सबा बनल मैं भी आ गई, फरमा दिया मैं देखा कमरे च दीवा पे बल दे दीवे दी लो नजर ही ना आवे, जिधर वेखनिया आ गया सोना सवेरा हो गया, अम्मा आशा फरमा दिया एक दिन मैं कपड़े पे सीनी आओ, फरमा दिया ने अचानक दीवा बुझ गया, मैं दीवा बालनी उठी सुई गवाच गई, फरमा दिया मैं सुई पे ढूंढनी ते आ गया सोना सवेरा हो गया, ए सवेरा हो गया, तैया गया सोना सवेरा हो गया। एक बारी अख बंद करके अपने अंदर छाती मार।